अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास फेडरल बोर्ड फिजिक्स का नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स चैप्टर का नाम है. टॉपिक हमारा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ इररेगुलर शेप. हमने ये फाइंड इसमें करने हैं. हाँ जी, ऑफ इररेगुलर शेप, बिल्कुल सही है. ओके सो सेंटर ऑफ मास सबसे पहले हम फोकस करते हैं किस पे, सेंटर ऑफ मास पे. अच्छा, सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन है उसको मैं पहले रीड करूंगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. सेंटर ऑफ मास ऑन सिस्टम मूव्स एज इफ इट्स एंटायर मास इज कन्फाइंड इन अ पॉइंट. ठीक हो गया जी. अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ सच पॉइंट द बॉडी डजंट प्रोड्यूस अ टॉर्क. यानी कि बॉडी का एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा जगह जहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी. सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होगी? द पॉइंट, ये इजी डेफिनेशन है, आप याद कर लें, द पॉइंट इन अ बॉडी when we apply the force there, okay, when we applied force there, the body doesn't produce torque. ठीक है, यानी कि जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो बॉडी है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करती. इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको. शुड आई रेज इट? यस सर. अच्छा जी, इमेजिन कर लें कि मेरे पास दो बॉडीज हैं. ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें टू बॉडी यानी कि टू पार्टिकल्स एक सिस्टम बना हुआ है. इसको हम एक बोल लेते हैं. ये एक रॉड से अटैच्ड है. किससे? बी से, जो इससे स्लाइटली बड़ा है. ठीक हो गया. तो अगर मैं इसकी यानी कि एक पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे करके कुछ थोड़ा सा यहाँ पे. ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, क्या लगाऊंगा मैं? फोर्स लगाऊंगा मैं, तो ये क्या करेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन में क्या करेगा? जाना शुरू कर देगा, सीधा जाएगा बिल्कुल. यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी. अगर मैं क्या करूँगा तो ये जो पॉइंट है कि जिस डायरेक्शन जब जिस पे आप उस पॉइंट पे रख के आप फोर्स लगाते हो और बॉडी बिल्कुल उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी सेंटर ऑफ मास. मैं आपको इसकी एक और एक दफ़ा यानी कि एग्जांपल दे देता हूँ. मैं इमेजिन कर लें कि ये मार्केट है मेरे पास, तो अगर मैं इसके बीचों बीच फोर्स लगाऊंगा ना तो ये सीधी जाएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. तो जब बीच में फोर्स लगा रहा हूँ तो ये सीधी जा रही है. तो जब वो बीच वाला पॉइंट है वो इस मार्कर का क्या है? सेंटर ऑफ मास है. और यही अगर मैं फोर्स लगाऊंगा जी यहाँ पे करके, इस पॉइंट पे करके फोर्स लगाऊंगा मैं, तो क्या होगा? ये इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा. ठीक हो गया. इस पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा तो तब भी क्या होगा? चाहे मैं इधर से लगा लूँ, फोर्स लगा लूँ, तब भी क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा. ठीक हो गया. तो ये है कि जी अ पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, अ पॉइंट इन अ बॉडी वेयर द फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डजंट प्रोड्यूस अ टॉर्क. तो ये इसकी डेफिनेशन आप यानी कि सेंटर ऑफ मास की है. नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक, इसी का सब टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी.
सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन पे हम फोकस करते हैं. द पॉइंट वेयर द होल वेट्स ऑफ अ बॉडी अपीयर्स एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें पूरी बॉडी जो है ना उसका जो वेट है वो अपीयर हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, रिजल्टेंट वेट आ रहा है, ठीक है. तो उसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ, उस पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो इसको मैं, यानी कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, मैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा. इमेजिन करें कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है. उस रॉड के अंदर पार्टिकल्स हैं, और सारे पार्टिकल्स पे क्या लग रही है, फोर्स एक्ट कर रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये सारे पार्टिकल्स पे अर्थ एक फोर्स लगा रहा है जिसे हम वेट कहते हैं. ठीक हो गया, यानी कि जो पार्टिकल्स मस्ट बी सेम ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, यानी कि जो अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मस्ट बी क्या है, सेम होने चाहिए. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या है, द पार्टी द रूल, जो जो डायग्राम है या जो जो फिगर है, मस्ट फॉलो द रूल ऑफ मूवमेंट आर्म, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द फोर्स अप्लाइड मस्ट बी इक्वल. अब देखें, जितना फोर्स, जितना डिस्टेंस इससे इसका होना चाहिए उससे उतना ही इसका इसके साथ होना चाहिए. जितना डिस्टेंस इसका इसके साथ है उतना ही डिस्टेंस इसका इसके साथ होना चाहिए. एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस और यानी कि मूवमेंट आर्म सेम होना चाहिए, इसका और इसका डिस्टेंस यानी कि क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. आसान लफ्ज़ों में क्या है, अब वेट जो है हर पार्टिकल्स पे सेम लग रहा है तो फोर्स क्या होगी, हम टॉर्क देख लिख देते हैं, टॉर्क. अब वेट तो सेम है तो फोर्स क्या होगी, सेम होगी, बराबर होगी सब पार्टिकल्स पे. और जो है मूवमेंट आर्म है वो मैंने आपको बता दी कि किस किस का किस साथ सेम होना चाहिए. तो जो यानी कि जो क्या कहते हैं इसे, अब जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे के अफेक्ट कैंसिल कर देगा. और जो जिसका ज्योमेट्रिकल सेंटर बनेगा इसे मिड पॉइंट कहते हैं, और यही क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा. इसकी जो बुक से मैं आपको एक, ये मेरी खुद से मैंने आपको यानी कि फिगर समझाई है, बुक से मैंने एक उन्हें जो एग्जांपल दी वो भी बहुत अच्छी है. एक आप रिजिड बॉडी इमेजिन कर लें और उसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं और उन पे डाउनवर्ड क्या लग रही है, फोर्स लग रही है. ठीक हो गया, अब रिजिड बॉडी पे क्या लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है. अब देख इसकी यहां पे आप बुक से रीड करते हैं. अब बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक बॉडी है जो एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी हुई है, ठीक है. मैंने काफी सारे पार्टिकल्स इसमें बना दी हैं. द अर्थ अट्रैक्ट्स अ पार्टिकल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और मैंने आपको वही बताया कि जो अर्थ एक फोर्स लगाती है जिसे हम वेट कहते हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है. दो चीजें हो गई. द पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इक्वल टू द वेट, यानी कि वही मैंने बताया कि जो अर्थ जिस जो फोर्स लगाएगी दैट फोर्स इज इक्वल टू द वेट, यानी हर किसी पार्टिकल पे सेम वेट लग रहा है, ठीक है. द रिजल्टेंट फोर्स, द रिजल्टेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स फोर्सेज आर अ सिंगल फोर्सेज, इनका अगर जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, एक पॉइंट पर निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो एक जो पॉइंट पर निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, एक इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा. इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो सेंटर ऑफ, जो एक पॉइंट वो मिड पॉइंट पे लग रहा होगा उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे. यहाँ पे दिखा हुआ द रिजल्टेंट ऑफ दीज पार्टिकल फोर्सेज इज अ सिंगल फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव डाउनवर्ड. तो वही बताया हुआ, ठीक है. अब ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेगुलर शेप. तो अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप के बारे में हम क्या कैसे पढ़ेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप.
अच्छा जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप के लिए जो हमें मेथड है हमारे पास वो है प्लम लाइन मेथड। अच्छा, प्लम लाइन मेथड एक मेथड है जिससे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का हम निकाल सकते हैं। क्या होता है कि एक ना इसको हम ऐसे यानी कि एक चीज़ होती है उससे हम इसको होल्ड करके रखते हैं, फिर एक इसमें स्टिंग होती है, उसके बाद एक कॉनिकल शेप का बॉब होता है, ठीक है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। इसको हम हाथ में ऐसे होल्ड करते हैं और ये फिर आस्ता आस्ता जब रेस्ट पोजीशन पर जहाँ जिस पॉइंट पे आ जाता है वही पॉइंट कहलाता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। देखिए अ सिंपल मेथड, ठीक है जी, अ प्लम लाइन कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब। मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल मेटल बॉब से कंसिस्ट करता है, सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हम कोई इसको फ्रेम सपोर्ट दे देते हैं, हम खुद हाथ में पकड़ लेते हैं इसे, ठीक है। व्हेन अ बॉब इज सस्पेंडेड फ्रीली बाय द स्ट्रिंग, जब हम बॉब को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है, अलॉन्ग द वर्टिकल यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू द वेट एक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड इन द स्टेट द ग्रेविटी ऑफ द बॉब इज एक्जेक्टली बिलो द सस्पेंशन। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो जिस पॉइंट पे जाके ये रुकेगा वही क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। अच्छा, अभी यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि एक इरेगुलर शेप का एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं। मेरे पास एक इरेगुलर सा एक कार्ड है, कुछ शेप उसकी ऐसे दी हुई है, ठीक हो गया। इसमें हमने क्या करनी है, इसमें हमने थ्री पॉइंट्स बना लिए जी, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अब मैंने इस इरेगुलर शेप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है और मैंने एक इरेगुलर शेप पकड़ी, इसमें मैंने थ्री पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने अच्छा जी, अब इसको हमने जो नेल है यानी कि हमने वाल में क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, यानी कि वाल में हमने इसको ऐसे करके लगा दिया। सपोर्ट द कार्डबोर्ड ऑन द नेल ऑन द वन ऑफ द होल्स, यानी कि ए में क्या हमने कार्डबोर्ड को पकड़ा है उसके अंदर, यानी कि जो हमने होल किया है उसको हमने नेल से वाल में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमने प्लम लाइन पकड़ी है इसे, ठीक है, और प्लम लाइन पकड़ के हमने इसको ऐसे किया, यानी कि प्लम लाइन को पकड़ा है, तो प्लम लाइन जिस पॉइंट पे यानी कि समझे कि इस पॉइंट से होती यानी कि यहाँ पे आ गई, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना लेना है, उसके बाद इस साइड को छोड़ के इस साइड को अब हमने क्या करना है, दीवार से लटका देना है इस साइड को। जब इस साइड को हम दीवार से लटकाएंगे तो हम तो कुछ ऐसे करके ना यानी कि यहाँ से जब इसको दीवार से लटकाएंगे इस साइड से तो तब भी हमने प्लम लाइन उसको नाम के पकड़ लेनी है, तो जब एक पॉइंट पे जब वो रेस्ट पे आ जाएगी वहाँ से हमने परपेंडिकुलर देख लेना और पॉइंट देख लेना कहाँ पे मीट करती है। सेम हमने सी पे भी, सी को जब दीवार पे लटका लेना है उस पे प्लम लाइन लटका लेनी है तो एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ये तीनों मीट कर देंगे। अब ये जो पॉइंट आ रहा है ये जो जहाँ पे तीनों साइड्स मीट कर रही हैं आपस में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह देंगे, वो पॉइंट जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। अच्छा, जिसको हम यहाँ से रीड कर लेते हैं क्योंकि मुझे बच्चों ने कहा सर आप रीड करके अभी बताया करें, तो मैं वैसे नॉर्मली बुक्स पे जाता नहीं हूँ लेकिन चलें। वर्टिकल लाइन ऑफ ए, अच्छा कैन बी लोकेट, अच्छा मार्क द लाइन ऑन द कार्डबोर्ड बिहाइंड द प्लम लाइन। उन्होंने कहा जी यानी कि कार्डबोर्ड पे वो लाइन ड्रा कर लें, ठीक है, जैसे वो प्लम लाइन की जो प्लम लाइन की डायरेक्शन आ रही है उस पर देखिए मैंने एक लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा रिपीटेड बाय सपोर्टिंग अ कार्ड ऑन अ होल बी। अब इस होल बी को टेढ़ा करके आपने दीवार पर लटका देना है, उस होल बी को यानी कि आपने इसको ऐसे रोटेट करना है, ऐसे उठा के दीवार पर लटका लेना है, फिर अब होल बी पे आपने प्लम लाइन लगानी है वो भी एक पॉइंट पे आके रुक जाए, यानी कि उस जब वो स्टेबल होगी आपने वो प्लम लाइन पकड़नी है, वो देखनी जो यानी कि जो कहाँ पे आके वो रुकती है, उसके बाद यानी कि जब वो रेस्ट पोजिशन पर आ जाती है फिर आपने इसको रोटेट करके सी को आपने इस होल पर लगा लेना है, इस यानी कि इस निप पर पहले ए को लगाया फिर बी को हटा के ए वाली जगह पर लगा लिया फिर सी को हटा के ए वाली जगह पे लगा लिया, तो तीनों का जब हम देखेंगे जो लाइन पॉइंट आ जाएगा वो हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है।
सो बच्चों इस टॉपिक में मैक्सिमम बेटा ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन आती हैं, और कभी कभी वो बच्चा, वो टीचर जो एग्जामिनर है, वो एक्सपेरिमेंट, वो क्या कहते हैं उसे, प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एक इरेगुलर कार्डबोर्ड है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप फाइंड करो। सो एनी क्वेश्चन, एनी क्वारीज, आप यानी कि आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और सी यू नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।